हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और थोड़ी सी टेंशन्स भी होंगी, कन्फ्यूजन्स भी होगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज उन जितनी भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में, उनको हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब ओवरऑल हम अब समराइज करेंगे कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड या जितने भी बोर्ड्स, आईसीएसई के जितने बोर्ड्स वगैरह सारे हैं, उनमें ये टॉपिक्स कॉमन है एनसीईआरटी की मेन, तो उन पर हम फोकस करेंगे कि इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है और इसे छोड़ के नहीं जाना। पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या खास है, पर सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड हमारे पास चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं। हमारे पास तीन चैप्टर्स बेसिक हैं, वो कौन से, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो अगर ये तीन चैप्टर्स पे आप फोकस करोगे न्यूमेरिकल्स में, तो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, इसमें टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से सोच समझ के इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करोगे, तो 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सॉल्यूशंस। और तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले जो हमारे पास आता है टॉपिक, सबसे पहले हमारे पास जो आएंगे वो क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट वन पार्ट टू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे पहले बेसिक समझिए क्या चीज़ है, मोलैलिटी नॉर्मैलिटी की चीज़ें क्या होती हैं, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन टर्म में, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चार कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मेलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी पे फोकस करिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इनमें हम नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं, पर नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कई बच्चों को ग्राम इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने नहीं आते, तो इसके बेसिस पे ये नॉर्मेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन पे इनके कॉन्सेप्ट्स और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर करिए, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट वन पार्ट टू। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, दैट इज सॉल्यूशंस में, वो है जी हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चार, वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक तो ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ के जाइए, कॉन्सेप्ट को ये है क्या, और उसके बाद इस पे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आएंगे कि सल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इतने 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 मिलीग्राम ग्राम्स हम सल्यूट को डालते हैं, ठीक है, या ml को डालते हैं, तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उस पर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस पे बेस्ड हमारे पास आते हैं kb निकालना, tb निकालना, डेल्टा tb निकालना, डेल्टा tf निकालना, tf निकालना, ये क्या सारे, ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूलाज जो हैं उन पे बेस्ड, उन पे आप फोकस करोगे। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सॉरी कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट क्या है, ठीक है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, इन पे तभी फोकस करिए, सब अच्छे तरीके से फोकस करिए, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
हमारा आता है इसमें सॉल्यूशंस में हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में भी क्या इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, ये रट के जाइए अच्छे से, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में भी क्या, जिसमें आप स्कूबा डाइविंग पढ़ते हो, स्कूबा डाइविंग के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप उसमें पढ़ोगे कोक बॉटल, फिश साउंड क्यों आती है, स्कूबा डाइविंग क्या होती है, एनोक्सिया का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट में आएंगी, ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है, वैट हॉफ फैक्टर, वैट हॉफ फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैट हॉफ फैक्टर में। फिर उसके बाद इस पे बेस्ड भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस पूरे हैं। फिर उसके बाद अब हमारा जो नया दूसरा चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि प्लस वन में आपने रेडॉक्स रिएक्शन में चैप्टर पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था, अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस न्यूमेरिकल्स किस पे आएंगे, ईएमएफ निकालना, ये बहुत ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड जो हम करते हैं, ईएमएफ पे क्वेश्चंस आएंगे। और ईएमएफ पे भी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कैन वी स्टोर, इस तरीके से कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल, इस तरीके के क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं जाओगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईएमएफ निकालना, ठीक है। और ईएमएफ के बाद नर्नस्ट इक्वेशन समझना, ये स्पिन न्यूमेरिकल, नर्नस्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ पे नर्नस्ट इक्वेशन पे ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन पे आप फोकस करिए, अच्छे से करके जाइए, इनमें से न्यूमेरिकल्स तो आएंगे पक्का आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम निकालेंगे कोल्ड रश लॉ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। फिर जो हमारा सेल कांस्टेंट के न्यूमेरिकल, सेल कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, तो कोल्ड रश लॉ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये टॉपिक्स भी आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है फैराडेज लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ, इस ये कॉन्सेप्ट फैराडे लॉ फर्स्ट और सेकेंड, और उसके उस पे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद लास्ट में जब हम चले जाते हैं तो उसमें हमारे क्या आते हैं, जैसे फैराडेज लॉ हो गया, उसके बाद आता है फ्यूल सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल ये भी पढ़ के जाइए, फ्यूल सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल। उसके बाद हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपको क्या करनी है, एक तो डायग्राम आनी चाहिए आपको बनानी, ठीक है, उसमें भी आपके क्या आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद लास्ट में जब हम चले जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो हमें मिलती है क्रोजन, रस्टिंग मिलती है, तो ये क्रोजन और रस्टिंग में, आयरन के लिए रस्टिंग और किसी मेटल और को करेंगे तो उसको रस्ट होगी, तो वो क्या है, दैट इज अ क्रोजन। चलो ये तो अभी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्रोजन का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में आएगा, ठीक है। रस्ट की एक एक नंबर में भी आती है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओवरऑल आपको मैं रिव्यू दे रहा हूं, और जो हमारा ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड चैप्टर जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे
इस चैप्टर में कुछ थ्योरी के लिए इतना ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें से ये चांसेस है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आएंगे आएंगे। तो इसमें अगर मान लो बात करें तो इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हाफ लाइफ पीरियड के न्यूमेरिकल्स, हाफ लाइफ पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अच्छे से करके जाइए। फिर एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपने टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम कैसे कि मान लो सपोज एक रिएक्शन है वो 25 मिनट्स में, इस तरीके के क्वेश्चन पक्के आएंगे, 25 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 80% कितने मिनट्स में होगी, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, चांसेस होते हैं जिसमें आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिके पे डिके कांस्टेंट निकालना, इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आएगा, डिके कांस्टेंट निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आपको मिलने के पूरे चांसेस है एग्जाम में। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है आर्हेनियस इक्वेशन आती है, आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, हाफ लाइफ पीरियड पे, ठीक है, और एक इस तरीके का डीके कांस्टेंट वाला और आर्हेनियस इक्वेशन पे, और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि 25 मिनट में ये 50% कंप्लीट हो रही है और कितने मिनट्स में 80% जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आने के इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं चांसेस हैं। फिर अगर हम बात करें फिर उसके बाद हमारे लिए जो थ्योरी में थोड़ा बहुत बचता है वो क्या है, जैसे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स किसके, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है जी। ये इस तरीके के जो यूनिट्स हैं वो भी आप अच्छे से करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा बचते हैं वो क्या आते हैं, लास्ट में जो टॉपिक आता है हमारा, जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस तरह के कॉन्सेप्ट, जो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी, ऐसा कुछ था ना, ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से आप थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को निकालोगे, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर। फिर उसके बाद क्योंकि फटाफट से हम सारे कवर करेंगे कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो इन केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो लॉग बेस्ड होंगे, किस पे बेस्ड है, लॉग बेस्ड, जिसमें लॉग लगेगा, एंटी लॉग लगेगा, ठीक है। तो वो लॉग को समझ, एंटी लॉग को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी लॉग और एंटी लॉग की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, विदाउट लॉग पेपर को देखे बगैर, टेबल को देखे बगैर आपको लॉग कैसे निकालना है वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां से आई बटन पे देखिए, आपको वहाँ पे वो लॉग कैसे निकालते हैं उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आपको लॉग नहीं आता, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स है और हम कह सकते हैं नॉनलीनियर इक्वेशन वगैरह में भी आपको ये लॉग वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग के कॉन्सेप्ट को समझना, है छोटी सी चीज़ है पर कईयों को लॉग निकालना भी नहीं आता, ठीक है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वे लॉग बेस्ड होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन हमारा लगभग खत्म हो गया। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, वो क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। वो भी क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें भी आपको
सारी की सारी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, इसमें क्या है थ्योरी आपको मिलेगी। उसमें भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें एक तो डेफिनेशंस आएंगी एक एक नंबर में जो आपको मल्टीपल्स भी आते हैं उसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको इस सरफेस केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। और इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोगुलेशन पेप्टाइजेशन ये छोड़ के नहीं जाना, गोल्ड नंबर, ठीक है। फिर इसमें भी आपको छोटे छोटे इमल्शन, ठीक है, एरोसोल इमल्शन हो गई, और हमारे जी जैसे हाँ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम टेंडल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आ चुका है टेंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डेफिनेशंस भी हैं एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, तीन तीन नंबर में ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, विद एग्जांपल आप उसे दे सकते हो, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आता है लाइपोफिलिक और लाइपोफोबिक कोलाइड्स। इस लाइपोफिलिक और लाइपोफोबिक कोलाइड्स में भी आ सकता है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, इस पे भी आपको एक एक नंबर की डेफिनेशंस आ सकती हैं, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पर इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या, कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन, गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टाइप्स इसकी है, जो इमल्शन की टाइप्स है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, और उसकी जो हम कह सकते हैं उसके टेस्ट हैं जो, ठीक है, इमल्शन के टेस्ट, इमल्शन की टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पक्का पढ़ के जाइए, ठीक है। टेंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप अच्छे से समझ के जाइए कॉन्सेप्ट है क्या, क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आता है हार्डी-शुल्ज़ रूल, ये भी हार्डी-शुल्ज़ रूल वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डी-शुल्ज़ रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-शुल्ज़ रूल के बाद हमारे पास आता है माइसिल फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोप फॉर्मेशन, सोप कैसे बनता है, ठीक है, माइसिल कैसे क्या होती है, कैसे बनती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के आप नहीं जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइसिल फॉर्मेशन, जिसमें आपको सोप फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है, क्लियर। फिर जीटा पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जीटा पोटेंशियल। फिर एक आती है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इंपॉर्टेंट। पर अगर इनमें से भी बात करूं तो ये तीन चीजें आप छोड़ के नहीं जाओगे, हार्डी-शुल्ज़ रूल क्या होता है, माइसिल फॉर्मेशन क्या होती है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, क्लियर है। तो ये हमारा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर कौन सा है, दैट इज द पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स में हम जो देखें मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, नाइलॉन 66 टेफ्लॉन और ब्यूना एस की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी यूजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, सल्फर डाल के हम क्या कर देते हैं, नेचुरल रबर को वल्कनाइज कर देते हैं, वो क्या, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ के जाइए। फिर इलास्टोमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉलीमर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तभी इस तरीके का बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पता होना जरूरी है। फिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, इनके बारे में पता होना जरूरी है, मतलब ये बड़ा हम कह सकते हैं पॉलीमर्स बड़ा एक स्कोरिंग सा चैप्टर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे बहुत नॉर्मल है नाइलॉन 66 टेफ्लॉन ब्यूनाइस वल्कनाइजेशन, बड़ी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें, आप इसे आसानी से
याद कर सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सिंपल सी डेफिनेशन ये चीज़ें प्रॉपर्टीज वगैरह ही आएंगी, ठीक है। और हमारा जो और इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे तो पहले इसकी जो नेमिंग है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं उसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। कि जो जितने भी आयंस है ना उनकी नेमिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसकी नेमिंग किस तरीके से आप करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएगी आएगी। फिर उसके बाद इसमें से डेफिनेशंस आती हैं, जैसे उसमें भी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चैलेटिंग लाइगेंड, ये पढ़ के जाइए, चैलेटिंग लाइगेंड और उसकी एग्जाम्पल। चैलेटिंग लाइगेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेट लाइगेंड्स, यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, इनकी एग्जाम्पल्स करके जाइए, ठीक है। और इसमें भी आपको अगर ये निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, चैलेटिंग लाइगेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आइसोमरिज्म पे भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आइसोमरिज्म पे, ठीक है, जिसमें भी आपकी जैसे लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में पूछेंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नेमिंग पे चैलेटिंग लाइगेंड की डेफिनेशन जो होती है जैसे ही हम कह सकते हैं, और जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। फिर अगर हम बाद में लास्ट में आ जाएं तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, दैट इज द वीबीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस पे बेस्ड स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछेंगे इसमें, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके साथ ही मिलता क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, सॉल्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया हमारा था एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, उस पर भी आप उसको भी अच्छे से गो थ्रू होके जाइए, एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशंस में। चलो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, वीबीडी और सीएफटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चार पांच टॉपिक्स मैंने बता दिए। एक नेमिंग करके जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, चैलेटिंग लाइगेंड्स वगैरह क्या होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, आइसोमरिज्म के बारे में स्टडी करो, और वीबीडी और सीएफटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लियर। अब जो हमारा अगला चैप्टर आया वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो बेसिकली किस पे बेस्ड है, ड्रग्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर हम जो आपका नीट होगा, ठीक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आएगा क्या, इसमें हमारी क्लासिफिकेशन है बेसिकली ड्रग्स की ना, तो इसमें जैसे हमारे पास डेफिनेशंस और उसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनाल्जेसिक है ना, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ठीक है, पेन किलर जैसे होते हैं हमारे ना, तो उसमें भी आपको एग्जाम्पल्स पूछेंगे एनाल्जेसिक में क्या है, जैसे जो भी हमारी होगी जैसे ब्रोफेन वगैरह होगी, डिक्लोफेनेक्सोडियम वगैरह, ये सारे एनाल्जेसिक के बारे में पूछेंगे, या फिर एंटीपायरेटिक की डेफिनेशन, लो डाउन द फीवर एंटी पायरेटिक, जैसे पैरासिटामोल वगैरह, ठीक है। उसमें भी एंटासिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंटासिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ओमेप्राजोल जो होता है, रेनेटिडिन वगैरह, ये सारी आएंगे इसमें एग्जांपल्स। एंटासिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ट्रैंकुलाइजर्स, फिर एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें, ये सारे हमसे टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, जिसमें आपके वो आते हैं क्लोरोफेनिरामाइन,
ठीक है, एवल वगैरह जो खाते हैं ना लोग, एवल सेट्रोजिन वगैरह, ये एंटी हिस्टामाइन एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं जो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है सोप, डिटर्जेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आप केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में पक्का पढ़ के रट के जाइए, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, एंटासिड्स क्या है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप में, डिटर्जेंट में डिफरेंस, डिटर्जेंट की टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो आसान है, नॉन मेडिकल के बच्चों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, पर फिर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, आप इसे एक बार थॉरली गो थ्रू हो जाइए। जैसे हमारे पास सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें हमारे पास एक तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में समझना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हैवत फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी और हैवत जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनाओगे, उसकी पायरानोज फॉर्म और फ्यूरानोज फॉर्म भी आप अच्छे से एक बार लिख के देखिए, बना के देखिए, ठीक है। और इसकी यूजेस क्या है, इसकी रिएक्शंस भी क्या होती है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आती है यस रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके टेस्ट्स क्या होते हैं, टॉलरेंस रीजन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, ये सारे आप पढ़ के अच्छे से जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमारी बचती है प्रोटीन्स की टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमारी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके प्रोटीन्स की जो अच्छा ग्लोब फाइबरस और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस और कहाँ कहाँ मिलती हैं ये फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहाँ मिलती हैं, ये आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेटिव प्रोटीन क्या है, ठीक है। फिर डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब डी नेचर प्रोटीन क्या होती है, किस तरीके से डी नेचर की जाती है प्रोटीन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटिव प्रोटीन क्या है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। फिर उसके बाद इसमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछा जाता है, अमाइनो एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछा जाएगा, क्लियर। प्रोटीन्स उसकी टाइप्स, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, फाइब्रस प्रोटीन्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है, नेटिव प्रोटीन क्या है, डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्लियर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स, जब विटामिन्स बोलते हैं जैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके सोर्सेज क्या हैं, अच्छा इसमें भी वाटर सॉल्युबल क्या है, कौन से हैं, और फैट सॉल्युबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तो पढ़ के जाइए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है और फैट सॉल्युबल कौन से है, इसमें भी इनके सोर्सेज और इनका विटामिन का साइंटिफिक नेम जो क्या है, इनका इनकी डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, सोर्सेज क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज
हो सकती है। ये बहुत ही ज्यादा विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के आप जरूर जाइए। उसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें तो मेन आरएनए और डीएनए को पढ़ना है। आरएनए और डीएनए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए और डीएनए का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर जी? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि जिसका हमने क्या किया, आज रिव्यू किया कि इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किनको हम अच्छे से समझ के अच्छे से उन टॉपिक्स को स्टडी करें पढ़ें। तो सबसे पहले तो हमने इनको इन इनकी बात की पहले तीन चैप्टर्स की। ये क्या थे? न्यूमेरिकल्स बेस्ड, जिनमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये जनरल्स हमारे थे। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और अब हमारे जो बच गए पी ब्लॉक, डी एंड एफ, ऑर्गेनिक और जनरल एक्सट्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है, तो वो उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप जो मैंने अभी हम आज हमने जो डिस्कस किया है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं, आप उसे अच्छे तरीके से फोकस करिए, पढ़िए, समझिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, होप कि आप इन जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करोगे और पूरा आपके पूरे चांसेस जाके आप एग्जाम में अच्छा करोगे। और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।